पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु बतेस्दा में खड़े हैं, वो हमारी इंतजार में है ताकि हम जो पवित्र जल वो हमारे जीवन में प्रदान करने वाला है, जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में चंगाई प्राप्त करें, वो खुद प्रभु यीशु है। उस पवित्र जल से जब हम हमारे जीवन को धो देते हैं, हमारे हृदय को धो देते हैं, तब हम सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर एक नया जीवन जीने के लिए हम सक्षम बन जाते हैं। इस पवित्र जल आज प्रभु यीशु इस पवित्र मिसा बलिदान द्वारा हमें प्रदान करते हैं, ना केवल आज बल्कि जब कभी हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हम भी उस बतेस्दा में चले जाए जहाँ से प्रभु यीशु अपने शरीर और रक्त से बहने वाले पवित्र जल से हम सबको धोएंगे। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए हमारी सभी आवश्यकताओं को, जरूरतों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम भी प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी उस पवित्र जल से शुद्ध कीजिए और हम एक नया जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करते रहे। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर हमारे सभी पापों को, गलतियों को प्रभु के समक्ष स्वीकार करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने उस रोगी से पूछा था कि आप क्या चाहते हो, प्रभु आज हमसे भी पूछते हैं। हम भी प्रभु से बोले, प्रभु हम शुद्ध होना चाहते हैं, हमारे रोगों से पापों से मुक्त होना चाहते हैं। प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं उनके पवित्र वेदी की ओर। आइए हम हमारे सभी पापों को, गलतियों को, भूल चुकों को प्रभु के समक्ष स्वीकार करते हुए प्रभु के इस वेदी पर चले आए और प्रभु से और एक दूसरों से माफी मांगते हुए इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। और हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। आइए आज हम हमारे सभी निवेदनों को संत आंजनी के मध्यस्थ द्वारा प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें। वो हमें प्रभु यीशु के पास ले जाने के लिए मदद करते हैं। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंदीश्वर, पादुआ के संत अंदोनी, तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए क्रिस्तीय आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपकी होठों पर हो ताकि आप योग रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ, नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, वाक्य संख्या 1 से 9 और 12।
पाठ का मूल वाक्य, मैंने देखा कि मंदिर में से जलधारा निकल रही है और जहां कहीं पहुंचती है जीवन प्रदान करती है। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहां मैंने देखा कि मंदिर की दहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जलवेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैर कर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहां कहीं गुजरती है वहां पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहां बहुत सी मछलियां पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहां कहीं भी पहुंचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारी सहायता करता है। इसलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में खिसक जाए। अनुवाक्य, विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। एक नदी ईश्वर के नगर का, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करता है। अनुवाक्य, विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन करो, वह पृथ्वी पर महान चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य, विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। जय घोष, हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतेस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप है, उनमें से बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और ये जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाने चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु चुपके से चले गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वह विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु हमें आज के पवित्र वचन द्वारा ये बताते हैं कि हमें प्रभु पर हमेशा निर्भर रहना है और उन पर आशा रखते हुए ये विश्वास करना है कि प्रभु जरूर हमें चंगाई प्रदान करेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम चंगाई का अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़े। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारियों से गुजर रहे हैं और शायद हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती है, लेकिन क्या हम उस परेशानियों के बीच में भी, उन बीमारियों के बीच में भी प्रभु पर निर्भर रहते हैं? आजकल के दुनिया में हम देखते हैं कि सब चीज़ इंस्टेंट मिलता है, तुरंत मिलते हैं सब कुछ। आज ऑर्डर करो, 2 दिन में आपको तो पक्का मिल जाएगा। एटीएम में जाओ, वहाँ पर कार्ड डालो, आपको पैसा यूं ही मिल जाता है। और इस प्रकार हम भी चाहते कि जो हम प्रार्थना में प्रभु से मांगते हैं वो भी तुरंत मिल जाए। 1-2 दिन पहले मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, तो मैंने उनको बताया कि प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरी बात को बहुत सीरियसली ले ली और वे जाके प्रार्थना करने लगे। और फिर 1-2 दिन बाद मेरे पास आकर बोलते हैं, फादर कुछ नहीं हो रहे हैं। तो मैंने उनको ये समझाया कि देखो, आज प्रार्थना किया, 2रा दिन होना ये बात नहीं होती है, बल्कि आपको प्रभु पर बने रहना चाहिए, तभी प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह और आशीष प्रदान करेगा। मैंने उनको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा उनको समझाया कि देखो, अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि कल ही उस पर फल आना चाहिए, उसको ज़मीन पर टिके रहना और फिर उनके जड़ को पानी ढूंढने के लिए या खाद ढूंढने के लिए समय लगेगा, उसके बाद ही उस पर फल आते हैं। ठीक उसी प्रकार
कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हमें भी प्रभु पर बने रहना है, प्रभु के वचन पढ़ते रहना है। और कुछ भी हो, चाहे आपके जीवन में दुख क्यों ना हो, परेशानियां क्यों ना हो, बीमारियां क्यों ना हो, प्रभु पर निर्भर रहो, आशा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ो, प्रभु आपके साथ है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि 38 वर्ष एक व्यक्ति उस नदी के किनारे पड़े थे और शायद आखिरी समय में उन्होंने सोचा होगा कि अगर प्रभु मेरे पास आकर मुझे चंगाई प्रदान करते तो उनकी प्रार्थना शायद प्रभु ने सुन ली और प्रभु उनके पास जाते हैं और उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखे हुए अध्याय 15 प्रसंग 58 में, प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और ये जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहे। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और ये जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहे। और इतिहास का ग्रंथ अध्याय 40 प्रसंग 31 में हम पढ़ते हैं, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज की इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेकर अपने आप को जांच करें कि हम कितने दृढ़ता से प्रभु पर भरोसा रखते हैं। क्या हम जब कुछ परेशानी आती है या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब क्या हम प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाते हैं, प्रभु के विरुद्ध चले जाकर पाप करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे शक्ति दे ताकि मैं आप पर निर्भर रहकर आशा के साथ आपके साथ जुड़े रहकर मेरे कार्य कर सकूं और आपकी महिमा के लिए मेरे जीवन को अर्पित कर सकूं। अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए है ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए है ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे परम दयालु ईश्वर, तूने संत अंदुनी के पुराने मानव स्वभाव को शुद्ध करके इन्हें नूतन प्राणी बना दिया है। हम भी इन्हीं के समान नवीन बने और योगी रीति से ये शांति बलि चढ़ा सके। ये प्रार्थना स्वीकार कर
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाए जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम आनंद काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। गाई हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान, गाई हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है। सृष्टि के आरंभ से ही तो मनुष्य के कल्याण के लिए कार्यरत है, ताकि वह तेरे ही समान पवित्र बन जाए। अपनी प्रजा के इन उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन्हें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त में बदल दे। हम सबको भी उन्हीं में तेरे पुत्र पुत्रिया बनने का सौभाग्य मिला है। जब हम लोग सचमुच विनाश के पथ पर बढ़ रहे थे और तेरे सम्मुख उपस्थित होने के सर्वथा अयोग्य थे, तो तूने हमारे प्रति अपना असीम प्रेम प्रदर्शित किया। तेरे एकमात्र धर्मनिष्ठ पुत्र ने स्वयं को हमारे लिए अर्पित कर दिया और क्रूस के काट पर चढ़ने से नहीं हिचके। उन्होंने आकाश और पृथ्वी के बीच अपनी भुजाएं फैलाकर तेरे व्यवस्थान का अमर चिन्ह प्रदर्शित किया। इससे पहले उन्होंने अपने शिष्यों के साथ पास्का समारोह मनाना चाहा। अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के अंत में ये भली भांति जानते हुए कि क्रूस से बहे लहू द्वारा वह सब कुछ का स्वयं में मेल करने वाले थे, उन्होंने दाकरस भरा कटोरा लिया, तुझे पुनः धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु,
हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के स्मृति बनाते हैं, जो हमारा पास्का और सच्ची शांति है। हम उनके मृत्यु तथा पुनरुत्थान का समारोह मनाते और उनके धन्य पुनरागमन के बाट जोते हैं कि हमारे सत्य प्रतिज्ञ और दयालु ईश्वर, हम तुझे ये बलि का मेमना चढ़ा रहे हैं जो मानव जाति का तेरे साथ मेल मिलाप कराता है। हे परम करुणावान पिता, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें अपने पुत्र के बलिदान में एक होने के लिए बुलाया है, ऐसी कृपा कर हम एक ही रोटी और एक ही कटोरे के सहभागी होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से क्रिस्त में एक शरीर बन जाए, जो हमारे सारे मतभेद मिटा देता है। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम अपने संत पिता फ्रांसिस और अपने धर्माध्यक्ष चाको के साथ मन और हृदय की एकता बनाए रखें। तेरी सहायता से हम उस क्षण तक तेरे राज्य के आगमन की तैयारी में लगे रहे, जब स्वर्ग लोक में संतों के साथ हमें भी तेरे सम्मुख उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत आंटनी और सब संतों तथा अपने मृत भाई बहनों के साथ हम तेरा प्रशंसा गान कर सकेंगे। तब सब प्रकार के पाप से मुक्त होकर हम नव प्राणियों के कंठों से अमर क्रिस्त का कृतज्ञता गान गूंज उठेगा। इनी प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनी के साथ सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही। आइए हम हमारे सभी प्रार्थनाओं को पुनः प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करते हुए मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस संस्कार के सामर्थ्य से सबल बनाया है। संत आंजनी के आदर्श जीवन द्वारा हम तेरे प्रेम में बढ़ते जाए। जो भला कार्य तूने हम लोगों में आरंभ किया है, उसे क्रिस्त के पुनरागमन तक दयापूर्वक पूरा करता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। यीशु की जय, जय प्रभु यीशु की।